विराट के बघेली समाचार में हम स्वाति अपना पंचन के स्वागत करित हैं। शुरुआत करित हैं रीवा जिला से, जहां एक बिटिया के साथ भय मारपीट के मामला में मुख्य आरोपी का उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गिरफ्तार कैलीन गा है। बतावा जात है कि देर रात 1 बजे मुख्य आरोपी का गिरफ्तार कीन गा है और पूर्व मामला के पूछताछ में पुलिस जुटी है। बताई दी कि मऊगंज थाना क्षेत्र में बिटिया के साथ मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भरा है, जिसके बाद पुलिस पहले आरोपी के खिलाफ मात्र 159 के तहत कार्यवाही की रही, लेकिन वीडियो चैनल में चले के बाद पुलिस लड़की के पास पहुंची और समझाइश दीस, जेके बाद शिकायत दर्ज कराई गई। आई अपना पंचन का सुनाई थैन पूर्व मामला का लेके पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन का जानकारी दी है। मुख्य आरोपी पकड़ा गया है सर यूपी से। मऊगंज वाली घटना में एक आरोपी पुलिस ने कल ही राउंड अप कर लिया था और जिस आरोपी ने मारपीट की थी उसके लिए लगातार हमारी टीमें सक्रिय थी, जिनको कल रात में सफलता मिली है और उसको उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से जाके राउंड अप किया गया है। अभी प्रकरण की विवेचना जारी है और आरोपियों की अरेस्टिंग के पश्चात उनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस क्रम में ये देखने में आया कि TI मऊगंज द्वारा तत्परता से कार्रवाई नहीं की गई, महिला संबंधी अपराध में जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी उसे देखते हुए उनको निलंबित किया जाकर पुलिस लाइन संबद्ध किया गया है और इस प्रकरण की जाँच एडिशनल SP मऊगंज को सौंपी गई है। सर क्या अब मुख्य आरोपी के यहाँ बुलडोजर चलेगा क्या सर? अभी इसमें जो हमारी टीमें हैं ज्वाइंट रूप से भी भ्रमण करके और राजस्व विभाग से अन्य विभाग से समन्वय स्थापित करके उसका परीक्षण कर रहे हैं, उसके पश्चात जो भी अन्य कार्रवाई होंगी संपादित की जाएंगी। खबर रीवा जिला से ही, जहां औरतन पर अत्याचार का लेके मामा शिवराज अपराधीन का कौनो कीमत मा बख्शे का तैयार नहीं आही। बताई दी कि 2 दिन पहले बिटिया के साथ मारपीट के वीडियो वायरल भा रहा, जे में लापरवाही बरते के आरोप मा पुलिस अधीक्षक मऊगंज थाना प्रभारी श्वेता मौर्य का निलंबित कर दीन। बतावा जात है कि थाना प्रभारी के द्वारा आरोपी का बचावे की कोशिश की जात रही, जे के चलते आरोपी के ऊपर 159 की धारा के तहत मामला दर्ज कीन गया रहा। बताई दी कि विराट 24 के द्वारा सबसे पहले प्रमुखता से यह खबर चलाई गई रही, जेके बाद पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन यह मामला का गंभीरता से ली। दूसरे तरफ प्रशासन बड़ी कार्यवाही की हिस, आरोपी पंकज त्रिपाठी का यूपी के मिर्जापुर से जहां पुलिस गिरफ्तार कर ली, वही आरोपी के घर ढेरा के कूड़ी गाँव में बुलडोजर चलाए के आरोपी के घर का जमीदोज कई दिन गा है। बताई दी कि मऊगंज SDM AP द्विवेदी, SDOP नवीन दुबे, तहसीलदार रत्न राशि पांडे, पुलिस बल और JCB के साथ आरोपी के घर पहुंचते हड़कंप मच गया और देखते ही देखा आरोपी के घर का जमीदोज कई दिन का। खबर रीवा जिला से ही, जहां गुड़ थाना के अंदर आवे वाले गांव महसाओ में ओ वक्त अफरा तफरी के माहौल निर्मित होगा, जब 2 मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर भय। यह घटना में एक लड़का गंभीर रूप से घायल होगा, जेका इलाज के खातिर संजय गांधी अस्पताल पहुंचावागा, जहां डॉक्टरों का मृत घोषित कर दीन। बताई दे कि लड़का गुड़ थाना क्षेत्र के गिरुई के रहने वाला है, जेकर पहचान सतीश कोल के रूप में भई ही। अपना पंचन का बताए दे कि पुलिस सबके पोस्टमार्टम कराए के घर वाले का सौंप दी सी। आई सुनी थे परिजन का कहा थे। मेरा नाम कैलाश कोल है। किसका एक्सीडेंट हुआ? सतीश कोल के हुआ है। कैसे हुआ है? ये क्या कि महासाओं से बाजार से चले आता रहा है अपने घर के लिए, एक बाइक आती रही तो वो क्या कि डस्ट उत्तर साइड से आती रही है, वो मैं रोड से जा रहा था, वो बाइक वाला सीधे मार दिया उसको, ठोकर मार दिया डायरेक्ट। जी ये कहे से थे? जी ये कहे से थे? बाइक से रहे हैं दोनों। बाइक से वो रहा है सर, वो सामने मैं रोड से जा रहा है, वो उत्तर से आ रहा है। क्या नाम था इनका? जौन इससे ख़त्म हो गया है। सतीश कोल नाम उसका है। सतीश कोल। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत गिरुई। कहाँ जा रहे थे ये? ये जा रहा घर आपने। थाना क्या लगता है? थाना गोड़। जी
जी साढ़े तीन बजे के समय या शाम के शाम कल शाम के हाँ अच्छा कहाँ खत्म हो गए थे वहीं इस वार्ड में इस वार्ड में नहीं करता संजय हॉस्पिटल में खत्म हुआ है आज खत्म हुआ है वो हाँ। खबर रीवा जिला से ही जहां पुस्तैनी घर गिरा तो दंपति कौनो तरह से पैसा के व्यवस्था कर नया घर बनावे चाहे तो गांव के लोगन के द्वारा रोक लगाई जात लागी। इतने नहीं गांव के कुछ लोग वृद्ध परिवार के साथ मारपीट करत लागे जेकर शिकायत तो पीड़ित के द्वारा थाना में कीन गए रही लेकिन कौनो सुनवाई नहीं भय रही। बताई दे कि यह मामला सिमरिया थाना क्षेत्र के गहिलवार के आए आई सुनी थे दंपति का मांग करत लागे। क्या नाम है क्या समस्या होती है? मेरा संगीता तिवारी नाम है सर जी। नाम से घर नहीं बनाने देते मारते हैं कूटते हैं निकालते हैं बच्चा शादी ब्याह लायके तो गाते न बनाने देंगे डारा धर लेंगे नहीं तो रोड दे दे नहीं लिखा दे दे नहीं निकल जा तब बनाने दब नहीं नहीं बनाने देंगे शिकायत भी करे कोई नहीं सुनवाई होती कहीं भी न कलेक्ट्रेट में न एस पी न थाना न सिमरिया कहीं भी नहीं होती है सुनाई। कौन सी तहसील लगती है? हमारी सिमरिया तहसील लगती है। यहाँ हम ये चाहते हैं कि शांति पूर्वक मेरा घर बन जाए मेरे बच्चा शादी लायक है 25 साल के हैं 23 साल के हैं तो बनाने नहीं देते घर की छत पर जाएगा तो किसी शादी हो जाएगी तो रोके हैं इसीलिए कि जो गरज हो इसके बच्चन के शादी के लिए तक आनंद से दई दे हमें रोड बीच घर से कोई रास्ता नहीं है जो लोग है सामने से रास्ता है हम ही दिए हैं अपने जमीन से। ये कौन लोग हैं जो? राजकुमार शर्मा है राकेश शर्मा है कैलाशपुरी शर्मा है राजेश शर्मा है चार लोग हैं सर। बताइए क्या नाम है? हमारा नाम बिहारी तिवारी नाम है ग्राम गहलवार। क्या समस्या थी? समस्या ये है कि साहब हम पुरान 100 साल से बसे हैं पुस्तैनी आज तक बना रहेगा ये सब घर हमारा गिर गया तो हम दोबारा बनाना चाहते हैं तो हमको बनाने नहीं देते मारते हैं गाड़ी किसकी है कैसे? जमीन कहते हैं कि हमारी है। जमीन किसकी है? जमीन है अब हम तो जानते नहीं है साहब के किसकी है वो कहते हैं हमारे पट्टे में। कितने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हम यहाँ 100 से ऊपर हो चुका साहब। इसकी शिकायत आप कहाँ कहाँ की? हम इसकी शिकायत थाने में किए तहसीलदार के ही है कलेक्टर के SP के सब के कर चुके साहब कोई सुनाई नहीं मारपीट किए हैं साहब। कौन लोग हैं जो मारते हैं? राजकुमार राकेश शर्मा कैलाशपुरी सब मारते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि बनाने नहीं देंगे जान से मारेंगे आप डेरा रखेंगे आप मोटरी बंधा के भगा देंगे चाहते हैं कि हमको रोड चाहिए यहाँ से घर गिरा के रोड चाहिए और जबकि रोड उनके घर तक लगी है दे। अब आप क्या चाहते हैं कि क्या कार्रवाई हो? हमारे ये चाहते हैं साहब कि हमको घर बन जाना चाहिए साहब इनके ऊपर जो लागू होता लाग जाए साहब हमारा प्रेम से घर बन जाए साहब। रीवा जिला में सुशासन दिवस के खुशी में 25 दिसंबर का पद्मधर पार्क में आयुष मेला के आयोजन कीनगा आयुष विभाग और शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के द्वारा यह मेला सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चालू रहा। मेला के शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम किहिन बताई दी के भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सवेरे 10:45 में यह कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े रहे हैं। आई सुनी थे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का कहीं नहीं हमारा जो अनुसंधान है जो हमारा परिणाम है आगे की तरफ जानकारी भी नहीं है इसीलिए उसके साथ ही हमारी विद्या विलुप्त होगी। आज जब हम देखते हैं उन पद्धतियों को देखते हुए आज कहा जाता है कि किसी का हाथ कट जाए तो जोड़ने की ताकत है चिकित्सा पद्धति में है और उस काल में जब शंकर जी ने उनका सर काटा फिर दूसरे जीव पर जोड़ करके जिंदा कर दिया ये पद्धति हमारे पास और ये चूक हमने सिर्फ इसलिए की कि हम अपनी पद्धति पर विश्वास नहीं कर पाए और आम जन को विश्वास दिला नहीं पाए। इस क्षेत्र में हम रहते हैं यहाँ अमरकंटक से लेकर के चित्रकूट तक हमारे अमृत रूपी पौधे हैं पूरे देश के भीतर यदि खोज हुई है तो आप जरा देखेंगे सोम बल्लरी का पौधा यही पाया जाता शायद दूसरी जगह नहीं पाया जाता।
खबर रीवा जिला से आवल लाही, जहां शिल्पी प्लाजा मा खाली पड़े भवन मा नए ऑफिसन का शिफ्ट कीन जात लाग है। बताए दे कि अधिकारी के द्वारा भवन के निरीक्षण कीन गा है और प्राथमिकता के आधार पर इहन नया कार्यालय शिफ्ट कीन जाए। बताए दे कि शिल्पी प्लाजा के बी ब्लॉक मा DIG कार्यालय पुरान SP ऑफिस मा शिफ्ट होगा। वहीं EOW के नया भवन बन के तैयार होगा है, जे के बाद अब वहाँ कार्यालय खाली हो जाये। आई सुनी थे कलेक्टर मनोज पुष्प निरीक्षण के दौरान का जानकारी दी नहीं। क्या इस कॉम्प्लेक्स में जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उसमें से कुछ अभी खाली हो गए हैं, कुछ के बिल्डिंग्स बन गए हैं, कुछ ऑफिसेज किराए में चल रहे हैं, उनको यहाँ शिफ्टिंग करना। इसके अलावा इसकी सेफ्टी ऑडिट कराना भी इसका एक उद्देश्य था, कैसे इसको बेहतर मेंटेन किया जाए और किस तरह से इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की ऑडिट करके और क्या सुविधाएं यहाँ पर बेहतर की जा सकती है। अभी और कोई नए कार्यालय यहाँ पे स्थापित, इसी को हम लोग प्लान कर रहे हैं कि तो कितना स्पेस, उन्हीं अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने का एफर्ट है। ये बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट पे बने हुए ऑफिसेज है, एक जगह काफ़ी ऑफिसेज है, तो किस ऑफिसेज को कितने स्पेस की आवश्यकता है, किस ऑफिसेज के स्पेस कम करने की ज़रूरत है, किसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है और किन नए ऑफिसेज को यहाँ शिफ्ट करने की ज़रूरत है और किस तरह से इसको व्यवस्थित करने की है, इसी को हम लोगों ने प्राइमरीली देखने के लिए आए हैं, फिर इसको प्लान करेंगे। आज खातिर इतने, बघेली में विंध्य के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ। नमस्कार।